दोस्तों, महाभारत वन पर्व के तीर्थ यात्रा पर्व के अंतर्गत अध्याय 134 में अष्टावक्र जी के शास्त्रार्थ का वर्णन हुआ है। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक इस सभागार में संघ ओर से अप्रमित प्रभावशाली राजा आकर एकत्रित हुए हैं, परंतु इन सब के बीच में मैं प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूँ। यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिपाती मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबा देने का नियम रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि से नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी बात शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझ कर नाच गाओ, अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस नहीं लिए जाते, तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्लभ होकर अहंकार वंश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत पर घाव नहीं आता। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत में नाक से छोटे है, सारे बछड़े बैलों से लघुतर होते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न है। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम है। अब आप बंदी को कृपया मेरे निकट बुलाइए। राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का तुम उत्तर दो और तुम्हारी बात का मैं उत्तर देता हूं। अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है, तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरण करते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता है। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देव ऋषि नारद और पर्वत दो ही है। अश्वनी कुमारों की संख्या भी दो ही है। रथ के पहिए भी दो है, तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता मनुष्य और त्रियक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीन वेद हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नर्क, ये तीन लोक ही बताए गए हैं। और सूर्य देवता, चंद्र और अग्नि तीन ही प्रकार की ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है और वर्ण भी चार है। जो इस यज्ञ का भार बहन करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही है, वर्ण भी चार ही है, तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार चरणों में युक्त बताई जाती है। बंदी बोले, यज्ञ अग्नि ग्रहपत्या दक्षिणाग्नि अहबनिया सभ्या और असभ्या, ये पांच प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी पांचों पांदों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इस प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है। वेद में भी पांच पीणी वाले तथा लोक में भी पांच नदियों के विशिष्ट पूर्ण में पंचनन प्रदेया विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिण में छह गौ ही दान देनी चाहिए। ये छह ऋतुएं ही स्वतः स्वरूप कालचक्र की सिद्धि करती है। मन सहित ज्ञान इंद्रिया भी छह है, कृतिकाओं की संख्या भी छह है, तथा संपूर्ण वेदों में सघस्यक नामक यज्ञ भी छह ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु सात है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी साथ है, गायत्री, उष्णक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिपुट और जगति। ये सात ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तऋषि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी साथ है, यथा मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्या, कृतु वगैरह और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी साथ है, गंध, पुष्प, धूप, दौप, नैवेद्य, आचमन और तांबुल, तथा वीणा के साथ ही तार विख्यात है। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरिया आठ ही होती है, जो सैकड़ों का मान तोल करती है। शेर को भी मार गिराने वाले शर्व के भी आठ ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुधा की संख्या आठ ही सुनी गई है,
और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही रूप का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समीधा लेकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें समीधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। इसमें प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार तथा पंचतन मात्रा, इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। ब्रीहि छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई है। 10-100 मिलकर ही एक सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 माह तक ही गर्भ धारण करती है। निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 होती है तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं के लिए 11 विषय है। उन्हें प्रकाशित करने के लिए इंद्रिया भी 11 ही है। यज्ञ, याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों में विकार भी 11 ही है तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र बोले, 100 दशर में महीने बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृतिक यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। बंदी बोले, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। काम, क्रोध, मोह मोही, मदमत्सर, हर्ष शोक, राग द्वेष और अहंकार, ये 11 विकार होते हैं। धाता, मित्र, अयमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें तवष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। इतना कहकर बंदी चुप हो गया। फिर आगे इस आदेश लोक की पूर्ति अष्टावक्र जी इस तरह करते हैं। अष्टावक्र जी बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों द्वारा संपन्न होता है, अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अति शकरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टिका का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिभूति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। इतना सुनते ही बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए भारी सोच में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक ने उस समृद्धशाली यज्ञ में जब चारों ओर से कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़ते हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदरपूर्वक पूजन किया। इसके बाद अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इसी बंदी ने पहले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबाया है। इसकी भी यही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई, इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र पानी में डुबा दीजिए। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपके यज्ञ के समान ही 12 वर्षों का पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक भेज दिया था। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और पुनः लौट कर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ जिनके कारण मेरा मेरे अपने पिता से मिलन होगा। अष्टावक्र बोले, बंदी ने अपनी जिस वाणी से विद्वान ब्राह्मणों को परास्त किया और जल के समुद्र में डुबाया, उसी बाघ शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से उखाड़ कर फेंका है। यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातों को सुनकर जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह गैविष्य तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं उनके घरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में जो सत्य और हितकर बात होती है उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं और उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव ये है कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है, इसलिए बंदी द्वारा दी गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही है। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मत वाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन पा रहे हो। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी दिव्यता एवं अलौकिक वाणी को सुन रहा हूं।
आप साक्षात दिव्य स्वरूप है। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है, आपकी इच्छा भी पूर्ण की जा रही है। देखिए, ये है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी।